देखें ये स्काउट की ड्रेस है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म स्काउट की ट्रेनिंग के समय हम लोग पहनते हैं। हमने कहा था ना आपको दिखाएंगे हम, देखिए आपके लिए लेके आए हैं। इसमें ये स्टील ग्रे कलर की शर्ट होती है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। तो इधर सदस्यता वाला बैच होता है जिसमें त्रिदल कमल जो उनके उसमें प्रार्थना में है ना, त्रिदल कमल ये देखिए निशान बना हुआ है और अंदर अशोक का चिन्ह बना हुआ है, बाहर देखिए हरे से है ना, उसके बाद पीले से निशान बना हुआ है, ये सदस्यता बैच है और ये विश्व बंधुत्व का बैच है, ठीक है, विश्व स्काउट बैच, ये बैगनी कलर से देख रहे ना, ये वाला बाएं जेब के ऊपर होता है और ये वाला दाएं जेब के ऊपर होता है और इसकी जो जेब होती है वो इसी स्टाइल में होती है और किसी तरीके से नहीं होती है और ऊपर ये काला पेड़ बने होते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम लोग तो उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है, ठीक है, ये उसके बाद ये एक कैप होती है जो जिसमें आगे देखिए भारत स्काउट गाइड का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये कैप हम लोग लगाते हैं। उसके बाद ये बेल्ट होती है इसमें जिसमें आगे देखिए ये भारत स्काउट गाइड का निशान बना रहता है लोगो, ठीक है, ये इसमें पैंट में लगे जाते हैं, ये इसकी पैंट है, ठीक। उसके बाद जो शुरुआत बेसिक से लेके एडवांस तक उसमें ये वाला स्कार्फ लगाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब SWB जहां तक हमने किया SWB उसके बाद ये वाला स्कार्फ हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है, इसको मोड़ के फिर यहां से ये इसको कहते हैं गॉगल, ठीक है, ये कस लिया जाता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये इसका है पहले वाला। और जिस रस्सी से गांठे सिखाई जाती हैं, ठीक है, ये वो रस्सियां होती हैं जिससे हम लोग गांठे सीखते हैं, ठीक, कैसे गांठ लगानी है, क्योंकि रस्सी का इस प्रशिक्षण में बहुत काम है, चाहे टेंट पिचिंग करें तब भी रस्सी काम होगा और भी जो संकेत वगैरह सीखने हैं रस्सी काम नापने में भी आता है, ठीक। और ये होते हैं जब प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाता है तो ये पहनाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये इसमें सीटी होती है, हमने बताया था ना कि सीटी से ही जो चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे आप वहां खड़े हो जी। हम यहाँ से सीटी से बताएंगे तो आप वहां से पहचानोगे कि हम क्या बोल रहे हैं जी। हमने बताया था ना उस दिन जो लिखाया था, यही होता है, जैसे तो ये धीरे धीरे बोला तो इसका मतलब अलग बताया था ना, जब लंबी तो इसका मतलब अलग बताया था, वो वहां से आपको पहचानना होता है। इससे हम आपको प्रैक्टिकल भी करके सिखा देंगे, क्योंकि दिखाया तो था ही हमने पहले, अब हम इसको प्रयोग आपको सिखा देंगे। तो ये जितना भी था और इसमें जो मोजा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जूते होते हैं काले होते हैं, ठीक है, तो ये देखने से एकदम समझ में आ रहा ना, हम लोग जब प्रशिक्षण करेंगे तो इसी तरीके से हम लोग को रेडी होना है, ठीक है।